24 के चुनाव में सबसे हॉट सीट में से एक कैसरगंज लोकसभा सीट शुमार है और सबकी नजरें इस पर भी टिकी हुई हैं। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भले ही कट गया, लेकिन 24 के चुनावी महाभारत में टिकट घर में ही रह गया। इस रिपोर्ट में देखिए। कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट भले ही कट गया हो, लेकिन बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल ही लिया। बृजभूषण की जगह अब उनके छोटे बेटे कैसरगंज से ताल ठोकेंगे। इसी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच बृजभूषण सिंह चुनावी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कल तक इस सीट पर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन जब बृजभूषण सिंह के परिवार में किसी को बीजेपी से टिकट देने की चर्चा शुरू हुई तो कई लोगों का नाम सामने आया। लेकिन आज उनके छोटे बेटे करण भूषण सिंह ने जब पिता बृजभूषण शरण सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो पिक्चर पहले ही साफ हो गई कि कैसरगंज सीट से बीजेपी करण सिंह को ही चुनावी मैदान में उतारेगी। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं और पिछले 15 सालों से कैसरगंज की सियासत बृजभूषण सिंह के इर्द गिर्द ही घूम रही है। कैसरगंज में नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है। कैसरगंज में 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है। आरोपों के घेरे में तत्कालीन कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह आरोपों के घेरे में हैं। फिलहाल यौन उत्पीड़न के आरोपों का मामला कोर्ट में है और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष बीजेपी की घेराबंदी ना कर दे, इसी चक्कर में बृजभूषण का टिकट काट दिया गया। हकीकत यह है कि बीजेपी के लिए कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह को नजरअंदाज करना आसान नहीं था। इलाके में उनका अपना रसूख है, हर धर्म जाति समुदाय में उनका अपना जनाधार भी, और इसीलिए सियासी गलियारों में बृजभूषण शरण सिंह के परिवार को टिकट देने पर चर्चा शुरू हो गई। बात आलाकमान तक पहुंची तो सियासी रणनीति तैयार की गई। संसदीय क्षेत्र में भ्रमण के नाम पर बृजभूषण लोगों से मिल रहे हैं, भावनात्मक रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं। हम जो कुछ भी हैं वो करनलगंज की बदौलत है, कटरा की बदौलत। कैसरगंज सीट पर 5वें चरण में मतदान होगा। अब जानिए कि 5वें चरण में यूपी की किन किन सीटों पर वोटिंग होनी है। 5वें चरण में यूपी में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में मतदान होना है। इस बीच बीएसपी ने कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी अभी भी कैसरगंज से प्रत्याशी के नाम पर उलझन में है। अगर बृजभूषण शरण सिंह का सियासी इतिहास जानेंगे तो 2009 में बीजेपी से निष्कासित होकर बृजभूषण शरण सिंह साइकिल पर सवार होकर ही कैसरगंज से सांसद बने थे। पहलवानों के प्रदर्शन में भी एसपी ने बृजभूषण सिंह पर अपना रुख नरम रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट।